अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं MR न्यूज़ और मैं हूं कशफ मलिक। गुजरांवाला में मुलजिमान को लोडर रिक्शे में अदालत लाने की वीडियो वायरल हो गई। पुलिस के मुताबिक 8 मुलजिमान को पुलिस मोबाइल ना होने पर लोडर रिक्शे में लाकर अदालत में पेश किया गया। पुलिस के मुताबिक इन मुलजिमान को डकैती, लड़ाई झगड़े और मंशियात फरोशी के इल्ज़ाम में गिरफ्तार किया गया। पुलिस एहलकारों का दावा है कि पुलिस वैन का टायर पंक्चर होने के सबब रिक्शा किया गया। पंजाब की निगरान काबीना के 8 वुजरा को कलमदान सौंप दिए गए। निगरान सूबाई हुकूमत ने वुजरा को कलमदान सौंपे जाने का नोटिफिकेशन जारी कर दिया, जिसके मुताबिक बिलाल अफजल को कम्युनिकेशन एंड वर्क्स और एक्साइज एंड टैक्सेशन का कलमदान दिया गया। SM तनवीर एनर्जी इंडस्ट्री एंड कॉमर्स, डॉक्टर जावेद अक्रम स्पेशलाइज्ड हेल्थ केयर और मेडिकल एजुकेशन के वजीर होंगे। इसके अलावा इब्राहिम मुराद लोकल गवर्नमेंट, डॉक्टर जमाल नासिर प्राइमरी एंड सेकेंडरी हेल्थ केयर, असफर अली महकमा औकाफ ज़कात और अश्र और मंसूर कादिर महकमा हायर एजुकेशन एंड स्कूल्स के वजीर होंगे। फवाद चौधरी की अदालत में पेशी के मौका पर उनकी अहलिया हिबा चौधरी की पुलिस से तकरार हो गई। पुलिस फवाद चौधरी को हथकड़ी लगाकर और उनके ऊपर चादर डालकर अदालत लाई, जिस पर हिबा चौधरी ने अहलकारों से तकरार करते हुए कहा, मेरे खामद के ऊपर चादर ना डाली जाए। उन्होंने कहा, मेरे खामद को मजीद रिमांड पर भेजा गया तो हम एहतजाज करेंगे। फवाद को जेल भेजा गया तो मुल्क गीर एहतजाज होगा। मीडिया नुमाइंदगान से गैर रस्मी गुफ्तगू करते हुए हिबा चौधरी ने कहा कि फवाद पर तशद्दुद का इल्म नहीं, उनके मुंह पर कपड़ा और हथकड़ियां लगाकर नहीं लाना चाहिए। फवाद चौधरी क्या दहशतगर्द हैं जो इस तरह उन्हें पेश किया जा रहा है। ग्वादर को 100 मेगावाट बिजली फराहम करने का मंसूबा तकमील के आखिरी मराहिल में पहुंच गया। ज़राए के मुताबिक फरवरी में ग्वादर के लिए 100 मेगावाट बिजली के मंसूबे की कमीशनिंग होगी, जिसके लिए गुज़श्ता दिनों पाकिस्तान और ईरान के आला हुकाम ने जायजा भी लिया। ज़राए के मुताबिक पाक ईरान तवानाई मंसूबे के तहत रवां साल ग्वादर को 100 मेगावाट बिजली फराहम कर दी जाएगी। इससे कबल ईरान पाकिस्तान को 104 मेगावाट बिजली फराहम कर रहा है। कौमी टीम के कप्तान बाबर आजम के वालिद आजम सदीकी ने कप्तान की सरगार सोब्राल फॉर्मेट ट्रॉफी ऑफ द ईयर उनकी वालदा के नाम कर दी। आजम सदीकी ने ट्विटर अकाउंट पर बाबर आजम की वालदा की हमराह तस्वीर शेयर की और लिखा कि सरगार फील्ड सोब्राल फॉर्मेट ट्रॉफी ऑफ द ईयर भी अल्लाह ताला की बेहतरीन नेमतों में से एक अता है और ये बाबर की वालदा के नाम करता हूँ। नाज़रीन, न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मज़ीद खबरों और तफसीलात के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारे फेसबुक पेज को फॉलो कीजिए। इसी के साथ दीजिए अपने मेज़बान कशफ मलिक को इजाज़त, अल्लाह निगेबान। न्यू इकबाल टिक्का शॉप, चटपटे और लजीज खानों का वाहिद मरकज। हमारे यहाँ चिकन पीस, बीफ कबाब, चिकन स्पेशल कढ़ाही, चिकन वाइट हांडी, चिकन ग्रीन टिक्का, चिकन मलाई टिक्का, मटन कढ़ाही, चिकन रेशमी कबाब, फिश ब्रोस्ट, चिकन चलगोजी, चिकन बिरयानी, चिकन कॉर्न सूप और हर किस्मी खाने दस्तियाब हैं। न्यू इकबाल टिक्का शॉप नज़्द गला मंडी लिया। प्रोपराइटर मोहम्मद इकबाल। फोन 03008764611।